सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्री जगदीश प्रसाद जय विद्युत विभाग सिकंदराबाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की शुक्रवार को शुरुआत हो गई। शहर में स्थित सम्राट मिहित भोज पार्क सिटी पार्क में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने किया। अट्ठाईस जनवरी तक चलने वाले आयोजनों की कड़ी में पहले दिन भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने बैंड की शानदार प्रस्तुति दी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने बताया कि स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की औपचारिक शुभारंभ के बाद कल्चर नाइट फैशन शो के अलावा शिव नादर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर दर्शकों का मन मोह लिया। सिटी पार्क में आने वाले दर्शकों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। कार्निवाल में 125 स्टॉल लगाए गए। इनमें फूड कोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, डेकोरेटिव आइटम और पेंटिंग आदि प्रदर्शित किए गए। नोएडा का ये ग्रेटर नोएडा शहर का 29वां फाउंडेशन दिवस है, उसी अवसर पर इस ग्रेटर नोएडा कार्निवल का आयोजन किया गया है। इसका जो थीम है स्मार्ट एंड हैप्पी ग्रेटर नोएडा, जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि ग्रेटर नोएडा शहर में रहने वाले सभी निवासी अपने आप को खुश महसूस करें। उनकी खुशी इसका सर्वोत्तम उद्देश्य है। अब खुशी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उस खुशी के सभी कंपोनेंट्स को अचीव करने के लिए उसकी एक झांकी यहाँ पे इस कार्निवल के थ्रू दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें सबसे पहले ग्रेटर नोएडा का जो डिज़ाइन है वो एक बेस्ट तरीके से वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ इन इंडिया के हिसाब से इसका डिज़ाइन हुआ है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, एक बहुत बड़ी खुली ग्रीन बेल्टें और इसके अलावा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहां पर डिजाइन में की गई। सीईओ ने बताया कि पूरा सप्ताह काफी आकर्षक, मनोरंजक और धमाल से भरा होगा। उन्होंने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के निवासियों, विद्यार्थियों, युवाओं, RWA और किसानों से अनुरोध किया है कि वे इस कार्यक्रम अपने उपस्थित होकर अपनी सहभागिता निभाएं। टाइम 24 न्यूज के लिए नोएडा से भूपेश प्रताप की रिपोर्ट। सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्री संजीव यादव, फायर सेफ्टी ऑफिसर एवं समस्त फायर परिवार, सिकंदराबाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश।